आज हम आपको कॉर्न मसाला बनाने की एक बहुत ही अलग रेसिपी बताने जा रहे हैं, जिसका टेस्ट रेस्टोरेंट या फिर होटल में जो कॉर्न मसाला बनाया जाता है बिल्कुल वैसा ही आता है। बहुत ही आसान तरीका हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। अगर आप भी ऐसा लजीज कॉर्न मसाला बनाना चाहते हैं तो फ्रेंड्स वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिए। शाखा मामा शेफ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए कॉर्न मसाला बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने कढ़ाई को गैस स्टोव के ऊपर रख दिया है। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून तेल डाल रहे हैं और तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। जब तेल गर्म हो जाए तब हम इसमें 1/2 टीस्पून जीरा डाल देंगे और जीरे को हल्का ब्राउन होने तक या फिर आप कह सकते हैं 1/2 मिनट के करीब रोस्ट कर लेंगे। फ्लेम को हमने लो पे ही किया हुआ है। अब हम इसमें 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट डाल रहे हैं और हल्की आंच पर थोड़ा रोस्ट कर लेंगे। इसे हम 1 या 2 मिनट के करीब ही रोस्ट करेंगे। इसे ब्राउन नहीं करना, बस इसका कच्चापन दूर हो जाए। लहसुन आखिर तक भुनता रहेगा, इसलिए हम इसको अभी बहुत ज्यादा नहीं भुनेंगे, नहीं तो ज्यादा भुनने के कारण थोड़ी कड़वाहट आ सकती है। अब हम इसमें 1 बड़ा प्याज डाल रहे हैं जिसे हमने बारीक बारीक काट लिया है। इसे हम हल्की आंच पे तब तक रोस्ट करेंगे जब तक कि प्याज लाइट ब्राउन ना हो जाए और पैलेट को इस तरह बीच बीच में हिलाते रहेंगे। अगर आप चाहें तो इस टाइम चॉप्ड हरी मिर्ची अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। हम इसमें हरी मिर्ची नहीं डाल रहे, ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है। अगर आप चाहें तो आप ये स्टेप स्किप कर सकते हैं। प्याज हल्के ब्राउन हो गए हैं। हम इसमें 2 मीडियम साइज टमाटर डाल रहे हैं जिन्हें हमने चॉप कर लिया है और इन्हें हम रोस्ट करेंगे जब तक कि टमाटर टेंडर ना हो जाए, नरम ना हो जाए। इसमें हम 1/2 टीस्पून नमक डाल रहे हैं। नमक डालने से टमाटर जल्दी गलते हैं। टमाटरों को हमने 3 या 4 मिनट के करीब पका लिया है। अब 5 मिनट के लिए हम इसे कवर करके सिम पे पकने देंगे ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए। हमने 1 टेबलस्पून तरबूज के बीज और 10 से 12 काजुओं को 10 मिनट के लिए भिगो के रख दिया था। अब जब तक टमाटर गल रहे हैं हम तरबूज के बीज और काजुओं को अच्छे से धो के छान के बॉईल कर लेंगे। अब एक पैन में हम 1/2 कप पानी डाल रहे हैं। इसमें हम काजू और तरबूज के बीज डालकर बॉईल कर लेंगे। जिस चॉपर में हमने टमाटर काटा था उसी से हमने पानी डाल दिया है। फ्लेम अभी हाई पर है, एक बार जब उबाल आ जाएगा तब हम इसे हल्का करके बॉईल होने देंगे ताकि ये नरम हो जाए और पीसने में आसानी हो। देखिए बॉईल आ गया है। अब हमने फ्लेम को सिम पे कर दिया है और इसे 10 मिनट तक पकने देंगे। दूसरे साइड में हमने टमाटर को कवर करके पकने के लिए रखा था। टमाटर अभी पके नहीं हैं। हम इसे पैलेट से थोड़ा हिलाकर फिर से कवर करके सिम पे 5 मिनट तक पकने देंगे। अब एक साइड में तरबूज के बीज और काजू को हमने पकने के लिए रखा हुआ है और दूसरे साइड पे कवर करके टमाटरों को गलने के लिए रख दिया है। अब टमाटर काफी गल चुके हैं, इसमें हम 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रहे हैं। अब हम इसे लो फ्लेम पर 5 मिनट भून लेंगे। हमने इसे थोड़ा भून लिया है। अब हम इसे कवर करके 5 मिनट के करीब सिम पे पकने देंगे। जो काजू और तरबूज के बीज को हमने बॉईल आने के बाद हल्की आंच पे पकने के लिए रखा हुआ था, अब 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम फ्लेम को बंद कर रहे हैं। काजू और तरबूज के बीज अब काफी नरम हो चुके हैं। इसे अब हम ठंडा होने के लिए रख देंगे और फिर ग्राइंड करेंगे। टमाटर और लहसुन अदरक की पेस्ट अब काफी गल चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे मसाले। इसमें हम डाल रहे हैं 1/3 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर और 2 मिनट तेज आंच पर रोस्ट कर लेंगे।
जो काजू और तरबूज के बीज को हमने ठंडा होने के लिए रखा था, अब उसे हम मिक्सर ग्राइंडर में डालकर पीस लेंगे और एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। देखिए हमने पेस्ट बना ली है, इसे हम अलग से रख देंगे। टमाटर अच्छे से गल चुके हैं, अब हम इसमें 1 टीस्पून कसूरी मेथी डाल रहे हैं और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। टमाटर का मॉइस्चर काफी कम हो गया है, इसका मतलब टमाटर अब पक चुका है। इसमें हम जो हमने काजू और खरबूजे के बीज की पेस्ट बनाई थी उसे डाल रहे हैं। इसे हम 2 या 3 मिनट के करीब हल्की आंच पे पका लेंगे। जिस मिक्सर ग्राइंडर में हमने काजू और तरबूज के बीज को ग्राइंड किया था उसी में हम थोड़ा पानी डालकर इसमें ऐड कर रहे हैं। पानी आप जितनी आप ग्रेवी की थिकनेस रखना चाहते हैं उस हिसाब से डाल सकते हैं। इसे हम हल्का सा हिला देंगे और कवर करके 2 मिनट तक हल्की आंच पे पकने देंगे। हमने इसे 2 मिनट पका लिया है, हमें ग्रेवी की थिकनेस इतनी ही चाहिए। अब हम फ्लेम को बंद करके इसे अलग से रख रहे हैं। अब एक दूसरे पैन में हम कॉर्न्स को पकाएंगे, जिसके लिए हम 1 टेबलस्पून ऑयल डाल रहे हैं और 1 टेबलस्पून बटर भी डाल देंगे। अब हम इसमें 1 कप कॉर्न्स डालकर मीडियम आंच पर पकाएंगे। जो हम भुट्टा खाते हैं उसमें से हमने ये कॉर्न्स निकाले हैं। इन कॉर्न्स को हमने प्रेशर कुकर में 1 विसल आने तक बॉईल कर लिया था ताकि पकने में ज़्यादा टाइम ना लगे। अगर आपने कॉर्न्स को बॉईल नहीं किया हुआ तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा पकाना पड़ेगा, क्योंकि हमने इसे प्रेशर कुकर में 1 विसल आने तक बॉईल किया हुआ है। बस हम इसे 3 से 4 मिनट तक ही पकाएंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा 1/4 टीस्पून के करीब नमक डाल रहे हैं और फिर से मिक्स कर लेंगे। बस अब कॉर्न्स पक चुके हैं, हम गैस स्टोव को बंद करके कढ़ाई को उतार के साइड में रख रहे हैं। अब जो हमने मसाला तैयार करके रखा था उसे हम फिर से गैस स्टोव के ऊपर रख रहे हैं और गैस स्टोव को हमने स्विच ऑन कर दिया है। फ्लेम अभी मीडियम पे है। अब जो ये कॉर्न्स हमने तैयार किए हैं, कॉर्न्स को हम मसाले में ऐड कर रहे हैं। अब कॉर्न्स को अच्छे से मसाले में मिक्स करेंगे और 1 या 2 मिनट के करीब मीडियम फ्लेम पर ही पका लेंगे। इसे थोड़ा पकाने के बाद अब हम 1 मिनट के लिए कवर करके हल्की आंच पे पकने देंगे। इसे 1 मिनट पकाने के बाद अब हम इसमें 1/2 टीस्पून गरम मसाला डाल रहे हैं और कुछ चॉप्ड धनिया के पत्ते भी डाल रहे हैं और मिक्स कर लेंगे। अभी इसमें थोड़ा और टेस्ट बढ़ाने के लिए हम इसमें 2 टेबलस्पून ग्रेटेड चीज डाल रहे हैं, जिससे और भी बढ़िया फ्लेवर आएगा। ये स्टेप कम्प्लीटली ऑप्शनल है। अगर आप चीज नहीं डालना चाहते तो आप ये स्टेप स्किप कर सकते हैं। चीज डालने के बाद हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम गैस स्टोव को बंद करके कढ़ाई को नीचे उतार रहे हैं और प्लेटिंग करेंगे। अब हम ग्रेटेड चीज के साथ इसकी गार्निशिंग कर रहे हैं और रेस्टोरेंट और होटल में मिलने वाले कॉर्न मसाला की तरह थोड़ी फ्रेश क्रीम भी डाल रहे हैं। फ्रेश क्रीम डालने से इसका टेस्ट और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। अब हम धनिया के कुछ पत्ते स्प्रिंकल कर रहे हैं और हमारा बहुत ही टेस्टी कॉर्न मसाला तैयार है। आप भी इस तरह कॉर्न मसाला बनाइए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज़ डू सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के बारे में सबसे पहले पता चल सके। मोर इन आर अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग शाखा
मामा शेफ।